नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ने की पेमेंट का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। शीघ्र ही यह किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए जो सब किया है, जो उनके लिए ज़रूरी था। हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जहाँ गन्ने का भाव सर्वाधिक 330 रुपये प्रति क्विंटल है। रविवार को प्रदेश के किसानों के लिए बाजरा और सूरजमुखी धन्यवाद रैली के बाद घरोंडा में ऐतिहासिक किसान धान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। धान के मूल्य में वृद्धि होने से प्रदेश के किसानों को करीब 6,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ मिलेगा। तो आज की यह किसानों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार होगा और प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल शुगर मिल के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। एक महीने में इसका टेंडर लग जाएगा और इसके कार्य पर करीब 225 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत के शुगर मिल का भी अगले माह में टेंडर लग जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रैली के माध्यम से किसानों को बताया कि पिछले दिनों भारी बारिश होने के कारण पत्नी कुंड बैराज से करीब 6,000 क्यूसिक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना के साथ लगते गाँवों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई थी। किसानों के खेतों में पानी चला गया है, जिसका उन्होंने आज हवाई सर्वे करके स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव ऐसा भी है, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसानों का भला कर सकती है। यदि किसानों का भला हम नहीं कर सकते तो मानकर चलिए कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पहले वोट के नाम पर किसानों के साथ राजनीति होती रही, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि करके न केवल विपक्ष को करारा जवाब दिया है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी उभारने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से न केवल किसान बल्कि खेतिहर मजदूर व्यापारियों व आढ़तियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र को भी गति मिलेगी, हर वर्ग खुशहाल होगा तो देश में प्रदेश भी खुशहाल बनेगा। मुख्यमंत्री ने घरोंडा के विधायक एवं हैफेड के चेयरमैन हरविंदर कल्याण को कहा कि वह इसकी शुरुआत घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से करें। इसके लिए सरकार द्वारा घरोंडा में 5 ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे ताकि किसान प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय के लिए एक और आगे कदम बढ़ा रही है। किसानों को मंडी में सब्जी के भाव उचित ना मिले तो किसान अपने सब्जी को अगले दिन बढ़िया भाव में बेचना चाहे, इसके लिए हैफेड द्वारा घरोंडा में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे ताकि किसान अपनी सब्जी को खराब होने से बचा सकें।